हाँ जी स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव मास ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैोंग तो अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है मास ऑफ फोटोन फाइंड करना है फोटोन ऑफ लाइट पता करना है जिसकी वेवलेंथ कितनी है थ्री पॉइंट सिक्स एंगस्ट्रॉन्ग है अब सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे हमने मास क्या करना पता करनी है वेव हमें कितनी दी है थ्री पॉइंट सिक्स एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस टेन मीटर ऑफ लाइट है तो इसकी जो लाइट है लाइट की कितनी होती थ्री इंटू टेन एज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है तो अब हमने मास पता करना है हमारे पास एच की वैल्यू क्या होती है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर किलोग्राम मीटर स्क्वियर पर सेकेंड अब हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या एच अपॉन एम वी तो हमने मास फाइंड करना है एम क्या होगा एच अपॉन लैम्डा इंटू वी लेमडा की वैल्यू क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर माइनस थर्टी फोर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लैम्डा की वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू पावर माइनस टेन मीटर और वेलोसिटी कितनी है थ्री इंटू टेन डेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड अब यहाँ पे मीटर से मीटर से मीटर कैंसिल हो गया पर सेकेंड से पर सेकेंड से कैंसिल हो गया हमारे पास मास ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला बचा सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन डेज टू पावर माइनस थर्टी फोर किलोग्राम नीचे क्या बचा थ्री पॉइंट सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टेन पॉइंट एट थ्री पॉइंट सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा टेन पॉइंट एट इंटू टेन एज टू पावर माइनस एट और प्लस के एट है तो आंसर आएगा माइनस के टू अब इसको हम सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री को टेन पॉइंट एट से क्या करेंगे डिवाइड इसका आंसर आ गया जीरो पॉइंट सिक्स वन थ्री इंटू टेन डेज टू पावर यहाँ पे थर्टी माइनस के टू है ऊपर जाके क्या हो गया प्लस के तो आंसर कितना आ गया माइनस के थर्टी टू किलोग्राम तो इस तरह हमने मास ऑफ जो फोटोन है वो क्या किया फाइंड किया जिसकी वेवलेंथ कितनी है थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर ठीक है यहाँ पे मैं मास की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा यहां पे आ गया जो मास है वहां ऊपर चला गया तो सारी वैल्यूज फिल करके हमारा आंसर ये आया